आ है प्योर कड़कनाथ, ये पूरी काली है, कलर में भी काली है और खून भी कालो भाई। कड़कनाथ को मतलब मीट है, जो को आप दो दो लकड़ बाल जो त्योहार को ही देने तो मतलब तेज रहे भाई। सब कलर देखो आप, ये देखो भाई कलर, एक बार इसका एक बार कलर चेकआउट करें भाइयों। बस आप इसे आज अंडा दिया के लगे टोकरी में रख दिया है, देखो देखो आप, ये एकदम देसी मुर्गी, देसी अंडा। तेल ज्यादा नहीं डालना, ये वहां पर तेल डालना 2 चम्मच, पीली सरसों आती है ना, पूरी चिकना ही है, चिकनी चीज है, पानी नहीं है। चीज बा मत टाइम रेडी लेवे, लेकिन तो टेस्टी मत पूछो बस। बना जी आप हर काम में एक्सपर्ट हो। आओ बने भी अच्छी है, टेस्ट में भी अच्छी है, जी भी क्या खाऊं बार बार के मैं मुर्गे को मीट खाऊं। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। दोस्तों आज मैं वापस से आ चुका हूँ ऑन द डेजर्ट में। दोस्तों जोधपुर में मैंने आपको एक प्लेस दिखाया था जहाँ पर घोलिया मास बनाया था हमने, हमारे साथ आनंद जी हैं, आनंद जी ने हमारे साथ घोलिया मास बनाया था, देवी सिंह जी हैं यहाँ के ऑनर। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया किस तरह से यहाँ पर कुकिंग की जाती है, मटन की प्रिपरेशन की जाती है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बना था वो, सोगरे के साथ हमने खाया था, सोगरे के साथ मजा आया था, शानदार है ना। तो आज क्या बना रहे सर? आज बनाएंगे कड़कनाथ मुर्गा। वो क्या खून उसका काला रहता है, बिल्कुल लाल की जगह काला होता है, मतलब तो मजो आ, मतलब कड़कनाथ खाओ जर खुद ही काड़ो, एकदम तजुर्बो ही अलग हो जाओ अभी को। और उसको उसको भी सोगरा के साथ खाते हो? भी नहीं, सोगरा के साथ खाओ आप, सोगरो ही तो गले भी हूँ सिमो भर, 3 सोगरा रखो तो गल जाओ तीनों ही। क्या बात है, एकदम मतलब मस्त लगे। कि अगर आपको मटन चाहिए तो मटन, आपको देसी मुर्गा चाहिए तो देसी मुर्गा लो, आप कड़कनाथ चाहिए तो कड़कनाथ लो, बॉयलर लो तो बॉयलर लो, जैसी आपकी प्रेफरेंस है वो चीज़ आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। तो दोस्तों अब देर नहीं करते हैं, फटाफट से चेक करते हैं और फिर उसके बाद इसकी पूरी मेकिंग आपको दिखाता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको। और फाइनली हम एंड में उसको टेस्ट करेंगे, लेग पीस फाड़ेंगे उसके, बिल्कुल है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, कम ऑन। अब दिखाएंगे आपको मुर्गा का, मुर्गा कैसे देसी मुर्गा, एकदम कड़कनाथ भी है और देसी भी है। दिखाओ आपने मुर्गा, अंडो किया दे वही दिखाओ, शायद मुर्गी बैठी होली अंडा पर। क्या बात है, जे माता आप सो रहे देनो दोरो गुणो है। आपने सब चीज दिखाओ, फार्म है आपने खुद को सब चीज। जोधपुर में गर्मी ज्यादा पड़े हाँ जी, तो भाई मुर्गा सहन नहीं कर सकते, कड़कनाथ भी गर्मी ज्यादा हुए हाँ जी। कड़कनाथ को मतलब मीट है, जो को आप दो दो लकड़ बाल जो त्योहार को ही देने तो मतलब तेज रहे। चीज में हम दो चीज है, हम थोड़ा छोटा है, देखो मैं वो फार्म है, मुर्गी फार्म एक काला है ना जगह, काला सब कड़कनाथ है और जगह बे लाल है वाइट वगैरह, बे है देसी बिल्कुल। बाद एक बार मुर्गी अंडो देवा, हम दौड़े मटके में ढूंढे अंडो देवा वास्ते, और देसी अंडा है देखो, इमें इकट्ठा करा आप देसी, आज अंडा दिया के जगह टोकरी में रख दिया है देखो, ये मतलब ये देखो आप, ये एकदम देसी मुर्गी, देसी अंडा ताज़ा दियोड़ा, यही में रख दे शाम के टाइम इकट्ठा कर और ले जाऊँ, कच्चा भी पी सको सेक काम में ले सको। आ देखो मुर्गी, आ मुर्गी है जो कि सेवे बेटी है, सेवा को मतलब बच्चा देवा वास्ते बेटी है, अच्छा। अंडा पर बेटा आने उड़ी है, अब इन देसी बेटा ही में तो अब देसी बच्चा हुई सभी का, ये पर अंडा रखोड़ा माई ने और आ खुद में बच्चा निकाल दे, बिल्कुल। अरे हाथ पनिया बहुत दौरा पकड़ बोल बहुत मतलब उड़े बैठे बदमाश खाना हुआ है, कड़कनाथ एकदम प्योर कड़कनाथ है, मतलब है प्योर कड़कनाथ, ये पूरी काली है, कलर में भी काली है और खून भी कालो हुए, लाल नहीं वे खून कालो ही करे, और ज्यादातर बीमारी में काम आवे, थोड़ी तेज घनी वे क्यों गर्मी ज्यादा वे कहीं में ज्यादा तो उड़ नहीं पावे, लेकिन आ चोंच कहीं की काट दिया करा थोड़ी लंबी ज्यादा हो जाए, जब चुगो दो चुगी जाए थोड़ी बदमाशी भी करा, दूसरा मुर्गा पर टोंच मारे नहीं कटिंग करनी पड़े चोंच की, कोई कस्टमर वगैरह आ रहा है वो बोल रहा है कि कड़कनाथ बनाना चाहते हो बनवा देते हो? बिल्कुल हाथों हाथ कटिंग करके बनवा देते हैं, झटका ही करते हैं इसका भी, बिल्कुल बना देते हैं हाथों हाथ। चलो कड़कनाथ है देसी है, जो भी ले अंडा ले तो अंडा भी देसी मिल जाए, चूल्हे पर ही बनाएंगे, चूल्हे पर ही बनाओ खाना, बिल्कुल सब देसी खाना, देसी चूल्हा पर हल्दी है अभी घर पीस छोड़ी है, मिर्च है घर पीस छोड़ी, धना घर पीस छोड़ा है, थोड़ा सा जीरो डालना, 4-5 काली मिर्च, 2-3 लौंग डाल है बस, क्यों इतनी तरी गर्मी घड़ी वह की मैं तो, और दही के साथ में इन्हें मिलाओ, थोड़ी खटाई नहीं देनी पड़े, टमाटर वगैरह कुछ डालवा की जरूरत नहीं पड़े, अच्छा। हरी मिर्च फरी मिर्च वो तो कचरो भेड़ो करबो है, केवली में 2 प्याज डाल हम, अच्छा 1.5 किलो जो भी है वो, इनमें पूरे मुर्गा को मीट है इनमें 2 ही प्याज डालना, और लहसुन खड़ा लहसुन, खड़ा लहसुन बाकी कई चीज़ नहीं है इनमें, ना कोई गर्म मसाला ना लाल मिर्च है ना शिमला मिर्च है ना थार कश्मीरी मिर्च है, वो देखो बिल्कुल अचर भी है पूरी मतलब इनमें,
और एकदम अच्छा मीट ताजा देख सकते हो दोस्तों, एकदम ब्लैक कलर का है, तो यही खासियत होती है कि कड़कनाथ का मीट बिल्कुल कालो ही वे। हाँ। तेल ज्यादा नहीं डालना, तेल है सरसों को, सरसों की गाने को तेल है, अच्छी गाने मतलब कच्ची गाने का, पीली सरसों आती है ना तो गाने को तेल है। इम आप तेल डालना 2 चम्मच, छोटा 2 चम्मच, मतलब वो चम्मच है जगह 2 ही चम्मच डालना, क्योंकि चर्बी भी ज्यादा वेक है तो ज्यादा तेल डाल भाई जरूरत नहीं है। तो जीरो डाल देखो, तेल आयो नहीं आयो, आएगो एक तो तेज पत्ता डालू, एक ही केवल। अच्छा, क्यों फालतू चीज डाल में कोई मतलब नहीं है, और ना कोई गर्म मसालो है। 2 डालू लौंग, 1 और 2, 1 2 3 और 4 5 काली मिर्ची, 6 काली मिर्ची बस, बाकी कुछ नहीं। हाँ। तो प्याज डाल दो, आप ईश्वर सिंह जी देवलिया, तो आपके कहीं पहले शुगर उगर की समस्या होती? नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये वास्ते ही तो बकरी अली भाई एक टाइम पास भी हो जावे और इनको दूध पीवाओ, एक तो मतलब दवाई बिल्कुल ही नहीं लेवा, अब हार्ट की भी शिकायत थी और शुगर भी हो, तो बकरियाँ लेने बाद में दूध पिए बकरी को, और बकरी की चाय पिए, और बकरी को मतलब दही खावे छाछ खावे, तो एडी मतलब बिल्कुल कोई गोली वोली लेवा की समस्या ही नहीं है। अच्छा। बकरियाँ लेने के बाद में 12 महीना होगा कोई गोली नहीं लेवे, और बकरी को दूध पिए, अब चाय बाहर भी बनाई आप ध्यान है कि बाहर आते ही अब चाय बनाई आप पी बार 2 मिनट पहले तो बकरी के दूध की होती, अभी बनाओ बकरी का दूध की बनाओ, बीमारी भी खत्म और टाइम पास भी हो जाए, दोनों फायदा है। नहीं तो वो गाना में गावे बना दारू छोड़ो और दूध पियो सा, और कम उम्र में ज्यादा जियो सा, 60 की जगह 100 ले वो के चूल्हा पर बना पाऊँ, कहीं देसी चीज है तो शरीर के लिए भी लाभदायक है और बने भी अच्छी है, टेस्ट में भी अच्छी है, जी भी क्या खाऊँ बार बार के मैं मुर्गे को मीट खाऊँ, और एनर्जी भी अच्छी आवे, कोई नुकसान भी नहीं है, गैस भी नहीं बने, गैस पर बनावा तो गैस बने, और चूल्हा पर बनावा तो तजुर्बा बनाओ और आराम, देसी कोई चीज़ मत डालो आप, गर्म मसालो वगैरह कोई चीज़ नहीं, खाली 2-3 काली मिर्च 4-5 और 2-3 लौंग, इमें देसी घाणी को तेल है, सरसों को तेल है, घाणी कच्ची घाणी कच्ची सरसों को निकाल उड़ो है, महक तेज है इसकी, महक बहुत तेज है, महक थोड़ा ज्यादा ही अगर नहीं पकता है ना। हाँ। तो पची सब्जी भी अच्छी नहीं बने। हाँ। जी पकवा को ध्यान रखना पड़े, सरसों में अगर पक्यो नहीं हुए तो कच्चे तेल की सब्जी भावे भी नहीं, क्यों लुगाया कई उतावड़ में कर दे मास्टर वगैरह जगह नौकरी वाली जल्दी जावे के पकाओ को नहीं तो पकाओ नहीं, पद सुगंध आवे जन के थार सब्जी में सुगंध आवे, सुगंध को पक्यो को नहीं के ठीक मारती है। हाँ एक मार जाओ यार, रिफाइंड डालो कहीं केड़ो भी हो थोड़ो पक जाओ तो भी हम सुगंध नहीं आओ, वो सुगंध आओ क्या कि भी कोई चीज़ ही को नहीं, रिफाइंड है बेकार चीज़, रिफाइंड बेकार चीज़, रिफाइंड तो नुकसान है शरीर में, और या तो आप मूंगफली को जिमो या तिल्ली को जिमो और या पच सरसों को जिमो, गाड़ी निकला जिमो आप, तो इन कहीं आप फ्राई कर लेंगे मायने। अच्छा, आप फ्राई कर दो मतलब इसमें डाल दे, इसमें डाल दे तेल तो इसमें थोड़ा ही है, 1.5 चम्मच ही है, पर वो कहें खुद बाहर चर्बी है ना, खुद तेल छोड़ दिया पूरी चर्बी है, देखो बिल्कुल वो चर्बी को फीस है, वो चर्बी को है, वो चर्बी को है, तो इसकी चर्बी वैसे ऐसे नुकसान मतलब वो नुकसान नहीं करती होगी टाइप की, वो खुद चिकना ही छोड़ी बाहर, खुद तेल छोड़ दे यार, क्या बात है। तो इन फ्राई कर दी और पच लिया मैं मसालो, मसाला हम दही के साथ में ले आवा और पचे इम फ्राई हुआ बाद में इमें मिला दे, फ्राई हो जाए देखो हम कितनी चिकना ही छोड़ी हो, ये अपने आप पानी छोड़ अपने आप पानी छोड़ दे, पानी वो पानी नहीं आ मतलब घी टाइप की चर्बी है के जो घी टाइप की घी छोड़ रही है, वो चिकट है तेल है आ पूरी चिकना ही है, चिकनी चीज है पानी नहीं है आ मतलब खुद छोड़ रही है, इससे बढ़िया एकदम ये एकदम फ्राई हो जाए, चीज बामा तो टाइम डेढ़ ही लेवे, जी हाँ देसी मुर्गो है तो 1 घंटो लेवे तो इम 1.5 घंटो लागे, बड़ी तो थोड़ा ज़्यादा खावे टाइम भी लागे, लेकिन तो टेस्टी मत पूछो बच्चे टेस्टी में बहुत ज़्यादा है। धनिया ले लियो, थोड़ी हल्दी ले ली और आ मिर्ची ले, थोड़ा नमक ले लें, 1 चम्मच नमक ले लो, अभी इन पानी में थोड़ा गोल कर दूँ मैं, तो गोल कर दियो अच्छो
और अब इन्हें इम डाल दें आप हाथों हाथ, क्यों फ्राई हो गो अब वो देखो अच्छी तरह फ्राई हो गो, अभी मसाला डाल दें। क्या बात है, पानी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी पानी डाल भाई जरूरत को, थोड़ा सा हो गया इन्हें मसालो साफ कर लें, अभी इन्हें अच्छो गोल मेल दें बाहर अपने आप ही सेट हो जाए, धीरे धीरे पूरा सेट, धीरे धीरे अपने आप सेट हो जाएगा, अब कलर आए धीरे धीरे में जो सीज जी जी। क्या बात, बार थोड़ा जल्दी सीज जाए क्यों फ्राई कर दियोगे, और इसके अंदर जो खुशबू आ रही है वो तो यहाँ लागे जाना, अभी जेम ले जाना, अभी तो इसमें लहसुन डला नहीं है, जिसमें लहसुन कटाल तो खुशबू बजाओ तो कड़कनाथ है, कड़कनाथ की वैसे ही खुशबू अब लाग जाओ, मतलब थोड़ो फ्राई होता ही मन चाल वाल लाग जाओ जिम आके, बस हलवे पर चाले जी मन चाले पर, हलवा दाता पर जोर कौन पड़े रही हूँ, दाता पर जोर पड़े थोड़ो, अब वो सीज बल लागो देखो मसालो पकवा लागो के तेल छोड़ बल लागो, तेल छोड़ बल लाग जावे जन पस दही दे दे आप, ये दही दोस्तों फेंट लिया है इन्होंने, दही ने ज्यादा हिलाना पड़े नहीं तो बस फाट जावे दही, तो आप दही दही डालो के तो दही एकदम पगो और एकदम देखो अब तरी छोड़ बल लागो, मतलब रोगन है जो एकदम पगो बिल्कुल एकदम देखो तरी छोड़ बल लागो, मतलब वो मीट पकवा लागो एकदम कटी दी का आपने कटे फाटे हो वगैरह बिल्कुल एकदम क्लियर है, मसाला बढ़िया पक गया, मसाला मतलब बढ़िया पक गया, मसाला पकता ही वो खुद तेल छोड़ बल लाग जाओ, ये को मतलब अब पकवा लागो 15-20 मिनट की कमी है केवल, बस लहसुन डाल दे बस लहसुन डालो, तो बना जी आप कभी भी मतलब इसको ढकते नहीं हो, हाँ ढक के बनाता ही नहीं हूँ, तो दोस्तों देखो आपको यहाँ पे कोई भी एक दी प्लेट नजर नहीं आएगी कि ढकने वाली, के बनाने का तरीका ये है कि खुला ही बनाता हूँ, खुला ही बनाते हैं इसको, और लहसुन दे वही मैं वो लहसुन कूटा बना जी आप हर काम में एक्सपर्ट हो, दूध सब काम कर लेता हूँ, दूध निकलवा लो, बकरी भैंस का, किसी का ही निकला लो, चल बकरी का भैंस का गाय का किसी का ही निकला लो, दोनों हाथों से निकाल लेता हूँ, मतलब ये लहसुन कूट के डालोगे भाई ना, कूट के दरदरा, चलो वे क्या मतलब वो लहसुन दरदरो डाला ना आप तो एक स्वाद नहीं जावे, सुगंध नहीं जावे, सही बात, और आप मिक्सिंग पीसोगे तो एक सुगंध खत्म हो जावे बिल्कुल, अब एक सुगंध देख जो और आप मिक्सिंग पीसो सुगंध नहीं आया कर कभी, वो थोड़ा थोड़ा साबित रह जाओ कूट पाओ सुगंध नहीं जावे, मीट में टेस्ट अच्छो आवे सुगंध भी आवे, सुगंध नहीं जाया करेगी दोस्तों, देखो टेस्ट भी अच्छा लागे, यहाँ पे लहसुन कुटाई चल रही है, और एक बार इसका कलर देखो आप, ये देखो भाई कलर एक बार इसका एक बार कलर चेकआउट करें भाइयों, बस आप समझो क्या कह रहा हूँ, कलर देखो आप इसका, जब ये चीज़ जब आप खाओगे ना भाई देखो, और नीचे चिप नहीं रहा बिल्कुल भी, देख रहे हो आप, हाँ हाँ, कोई मतलब खुद पानी खुद चर्बी छोड़ देगा कड़कनाथ, कोई पानी वाणी नहीं डाल ये माल, ये पीस ऐसे हैं दोस्तों आप इसको बाइट के साथ खाओ, सिंगल बाइट के साथ सिंगल पीस उठाओ भाई, ये देखो क्या हिसाब है, मजा आने वाला है साहब ये मान लो आप, तो क्या हाल है भाई साहब आप लोग, बढ़िया सब सब लोग जोधपुर से ही हैं, तो यार मैं आप देख रहा था अभी शूट कर रहे थे हम लोग ने देखा कि आप लोग बढ़िया बैठ के एंजॉय कर रहे थे, कैसा लगता है पहले आए हो या फर्स्ट टाइम ही है, पहले भी आए थे, पहले एक दो बार आए थे, अभी काफी टाइम के बाद अभी आए हैं, अच्छा अभी हमारे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, अच्छा माहौल था, आज हमारे भाई साहब का जन्मदिन ही था, अच्छा कौन सी भैया का, अच्छा वो अच्छा उनके पास कॉल आ रहे थे क्या बर्थडे के, चलो तो उनके बर्थडे के लिए आए थे हम, केक वगैरह काटा और अच्छा था हमारे लिए, बढ़िया था बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए थे हमारे भाई साहब प्रकाश जी, आपको सर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माहौल और स्टाफ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कोऑपरेट करता है, अच्छा आपने खाना वाना ट्राई किया कभी कुछ, हाँ किया बहुत बढ़िया खाना, खाना अच्छा लगा, हाँ और फ्रीडम बहुत है, फ्रीडम बहुत है, चलो तो आप लोग हमारी वीडियो देखना यार आपको मजा आएगा, ठीक है बस चलो थैंक यू सो मच, अब इम लहसुन दे मतलब वो तेल छोड़ दियो पगो एकदम, थोड़ा सा पानी डाल लियो लहसुन में भाई, वो सोरो छूटे तो ये चीज देख के आपको दूसरे आनंद जी की याद आ रही होगी, अब एकदम लहसुन है, ये देखो भाई साहब क्या बात है यार, ये है देसी जायके, देसी एकदम कुटेड़ो लहसुन है, सुगंधी एकदम खुशबू हवा लाग दे डालता ही आगे ना डालो टेस्ट करो, चलो फिर से मैं आ चुका
हूँ ऑन द डेजर्ट में, और आपने देखा था पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इन्होंने मटन बनाया था भाई, घोलिया मटन जिसको बोलते हैं वो बना के दिखाया था। बनाजी हमारे साथ थे, आनंद जी, और आनंद जी आज हमने वापस बुला लिए, और आज हमने आपको दिखाया इनका कड़कनाथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खुद का इनका फार्म वगैरह रहता है, मैंने आपको दिखाई दिया किस तरह का इनका फार्म है। पीछे मुर्गियाँ भी हैं, बकरे भी हैं, बकरियाँ भी हैं, सब चीज़ हैं। तो बकरियाँ एक्चुअली इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, दूध वगैरह का बहुत अच्छा चलन है, तो यहाँ पर लोग उसको एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं बकरी के दूध वगैरह को। तो आज हमने भी इंजॉय किया उसको, बड़ा मज़ा आया था। फाइनली दोस्तों आज हमने जो बनवाई है ना कड़कनाथ बन के रेडी है। एक्चुअली क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो कड़कनाथ है ना ये छोटे साइज़ के हैं, मतलब कई आपने देखे होंगे दुकानों पे या फिर कहीं और किसी वीडियोस में देखा होगा, वहाँ पे 1.5-2 किलो के जो होते हैं ना वो होते हैं बड़े बड़े से। यहाँ पर जो इनके फार्म में है ना ये 1.25 किलो वाले हैं, जिसको साफ कर करा के ये 850-850 ग्राम के बनते हैं। अच्छा अब सबसे पहले एक काम करेंगे अपन, थोड़ा सा ये चिकन है ना यहाँ पे निकालते हैं, ये इधर लेते हैं, और इसको ये देखो भाई क्या बात है, और प्रॉपर इसमें फील देखो आप इसकी, आपको गार्लिक दिख रहा होगा। साथ में मैंने ये तंदूरी रोटी ली है, ये सोगरा लिया है, ये सैलेड आ चुका है। तो सबसे पहले तंदूरी रोटी के साथ ये टेस्ट किया जाएगा, बहुत तेज़ भूख लग रही है। ये देखो भाई लुक एट दिस यार, ये देख सकते हो पूरी, ये देखो इसकी जो बोन है ना ये बोन भी पूरी ब्लैक है, देख रहे हो आप। तो यही होता है भाई कड़कनाथ, जिसका बोन भी ब्लैक हो, ब्लड भी ब्लैक हो। आ जाओ ये देखो ग्रेवी को देख रहे हैं आप, लुक एट दिस, पूरी ग्रेवी में आपको देखने को मिलेगा, ये देखो हल्का हल्का सा गार्लिक देखने को मिलेगा भाई। तो ये चीज़ यहाँ पे बेस्ट है कि गार्लिक का यूज़ एंड में करते हैं। भाई चिकन लग ही नहीं रहा है, ऑनेस्टली बताऊँ, ये देखो भाई, ये देख रहे हो अब ये जो ब्लड होता है, जो इसके मसल्स होते हैं ना, ये देख सकते हो आप प्रॉपर इसमें ब्लैकिश है, ये देखो लुक एट दिस यार। अब आप खुद गलावट चेकआउट कर सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से गल गया है। और यही होता है कि भाई आप जब इसको मंदी आंच पे धीरे धीरे पकाते हो ना तभी इसका प्रॉपर जायका अंदर तक आता है। अब हमने जब शुरू किया था ना बनाना, ये 6 बजे शुरू किया था, अभी 8:30 बज रहे हैं, तो इसको 2.5 घंटे, इसको भी 2.5 घंटे लग गए मंदी आंच पे धीरे धीरे चूल्हे पे बनाने में। दोस्तों जोधपुर में जो जायका मिलता है ना वो एक्चुअली क्या है ना, एकदम देसी स्टाइल में यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं। देखो पहले आज से 3-4 साल 5 साल पहले की ये था कि रेस्टोरेंट में जो खाना सर्व होता था वो होता था मोस्टली बॉइल्ड मटन, जैसे मटन को बॉइल कर लिया ग्रेवी में पैन के साथ बना के दे दी, तो वो वाली चीज़ सब होती थी उस टाइम पे, लोगों को वो बहुत पसंद आती थी। बट आज इनको देसी खाना पसंद आने लग गया है। देसी खाना किस तरह से, जो प्रॉपर एक साथ बल्क में बने, चाहे वो 1 किलो बनाएं चाहे 2 किलो बनाएं, वो बल्क में एक साथ इकट्ठा बने और एक साथ उस ग्रेवी में एक साथ घुटे मांस, समझ आप, उसके बाद वो जब उसका रोगन रंग पूरा निचोड़ के बाहर निकलता है ना तब आता है उसमें टेस्ट। तो भाई वो चीज़ आपको अब हमारी वीडियोस में तो देखने मिल ही रही है, और धीरे धीरे लोग बाग भी प्रेफर कर रहे हैं और रेस्टोरेंट वाले भी यही चीज़ प्रेफर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाना सर्व किया जाए। देखो दोस्तों ये थोड़ा सा और लेते हैं, लुक एट दिस यार, ये देखो ये विंग वाला पीस है भाइयों, ओए होए होए होए, ये देख रहे हो, ये देखो विंग वाला पीस, इस पे प्याज रखता हूँ, जो इसमें दही डाली थी ना भाई, दही की वजह से प्रॉपर इसमें लच्छा बना है, और लच्छा बनने की वजह से भाई वो जो जाली वाली जो ग्रेवी होती है ना मज़ा आ गया भाई। और भाई अगर आपको खाना है ना तो आपने यहाँ पे आना पड़ेगा, अगर आप जोधपुर से हो या फिर जोधपुर घूमने आ रहे हो, जोधपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर आप जब जयपुर वाले रास्ते पे आओगे, जयपुर हाईवे पे आओगे, जयपुर जोधपुर हाईवे पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा ये रेस्टोरेंट, सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। और आप, मैं ये कहता हूँ कि आप अगर आप स्टे भी करना चाहते हैं दोस्तों के साथ आ रहे हो और आप लेट हो जाते हो तो आप आराम से स्टे भी कर सकते हो यहाँ पर। ये देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जोधपुर में सोगरा जरूर चलता है, आपने देखा था पिछली वीडियो में, तो मटन के साथ भी हमने सोगरा एंजॉय किया था, चिकन के साथ भी यहाँ पे सोगरा एंजॉय करेंगे। ये देखो ये लेता हूँ ग्रेवी और ये ऊपर से डालता हूँ उसमें सोगरे के ऊपर ग्रेवी, ये देखो
ये जो थिक रोटी है ना भाई, ये ग्रेवी को चूस लेती है, पूरी तरह से सोख लेती है, यू नो। रेट लिस्ट सारी चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नंबर इनका, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डायरेक्टली कॉल करें और यहाँ पे आ सकते हैं। मैं इस मिल को करता हूँ एंजॉय, आपसे मिलता हूँ किसी और जगह, तब तक थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों शेयर कर दें इस वीडियो को। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच।